तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शैलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल शैलेश गोरखपुर वाला। तो दोस्त, अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अपना काम करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने जो थंबनेल में लिखा हुआ है वही चीज़ें आपको पूरी बताऊंगा कि आप लाख रुपए महीने के कैसे कमा सकते हैं एक स्वीट शॉप खोल करके। कोई फेक, कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप स्वीट शॉप खोल करके आप महीने के लाखों रुपए से भी ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्वीट शॉप खोलना चाहते हैं तो पहली बात, आप सबसे अलग थोड़ी सी दुकान को बनाइए, प्रोफेशनल लुक में अपनी दुकान को खोलिए। दुकान में क्लियरिटी होनी चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके दुकान में। लोगों से कुछ अलग करेंगे तभी आपके दुकान पे लोग आएंगे। अगर लोगों के बीच में भीड़ का हिस्सा बनकर के रहना चाहते हैं तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। लोगों से कुछ अलग करना सीखिए। तो पहली बात आपको दुकान खोलनी है तो थोड़ी प्रोफेशनल लुक में खोलिएगा और थोड़ी सफाई वफाई का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात दोस्तों, मिठाई का टेस्ट थोड़ा अच्छा रखिए। आप YouTube चैनल पे जाकर के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि मिठाई कैसे बनाया जाए अच्छे से अच्छे टेस्ट में। ये सारी चीज़ें आप YouTube चैनल पे जाकर के सीख सकते हैं, आप देख सकते हैं। और मिठाई की क्वालिटी अच्छी रखेंगे, टेस्ट उसका अच्छा रखेंगे तो जाहिर सी बात है एक बार जो भी इंसान वहाँ आपके दुकान पर आएगा तो बार बार आपकी दुकान पर आएगा और आपके दुकान की तारीफ़ भी करेगा। अरे रुकिए दोस्तों, ये तो आप लोग सभी जानते हैं मगर आप लोगों को आगे का अभी फार्मूला मालूम नहीं है। तो आइए आपको बताते हैं आगे का फार्मूला कि कैसे आप अपने दुकान में लाखों रुपए कमाएंगे। ये तो हो गई प्रोफेशनल जो सभी दुकान के लोग करते हैं, मगर आप लोगों को यहाँ कुछ टिप्स देने वाला हूँ जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होने वाली है। अगर इस आइडिया को आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने लागू कर दिया तो आप बहुत सारे अर्निंग कर सकते हैं। हो सकता है शुरुआती में कुछ डिफिकल्टी आए लेकिन आपको इससे बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो आप लोग जानते हैं कि एक बार जो दुकान में बन जाती है, लड्डू हो गया, रसगुल्ला हो गया, छेना हो गया, बर्फ़ी हो गई, ये सारी चीज़ें जो बन जाती हैं एक बार, तो देखते होंगे महीने दिन तक वो अच्छे से रहती हैं, उसमें कुछ होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, जो सारी चीज़ें आपकी दुकान पर बनती हैं, रसगुल्ला हो गया, लड्डू हो गया, छेना हो गया, बर्फ़ी हो गया, जितनी भी मिठाइयाँ बनती है तो उनकी आप क्या कीजिए, पैक कीजिए कुछ प्रोफेशनल लुक में अच्छे से। जो भी आप देखते होंगे सोन पापड़ की जो पैकेट आती है, ऐसी आप पैकेट लेकर के आइए और उस पैकेट में डाल करके आप अपने जो भी रसगुल्ले हैं, जो भी आपके लड्डू हैं, बर्फ़ी हैं, या सारी चीज़ें जो हैं, आप क्या कीजिए उसे पैक करके रख दीजिए, उसे पैक करके रखिए और थोड़ा छोटा बनाइए, थोड़े से कम पैसे में डालिए, लेकिन उसे क्या कीजिए, पैक कर दीजिए। पैक करने के बाद आप क्या कीजिए, बहुत सारे जो ऐसे दुकानदार हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, उनके पास ले जा करके पहले कुछ दिन जाकर ट्रायल कीजिए और आप लोग वहाँ पे जाकर के बोलिए कि हमारी एक स्वीट की दुकान है और आप लोग मिठाइयाँ बनाते हैं और आप लोगों को हमेशा ऐसे हम देते रहेंगे, आप लोग पहले ट्राई कीजिए, एक चीज़ रख लीजिए और इसके बाद जब भी आपकी बिक्री होती है तो हम और भी मिठाई आप लोगों के पास लेकर के आएंगे। तो ऐसे करके आप क्या कीजिए, बहुत सारे होलसेलरों के पास जाइए, बहुत सारे रिटेलरों के पास, बहुत सारे जगहों पे देख लीजिए। तो आप मान लीजिए अगर आपकी 5 रुपये की लड्डू है तो आप उसे 4 रुपये में सेल कीजिए और 1 रुपये अगले को दीजिए, या फिर आप डब्बे के हिसाब से लगा सकते हैं। मान लीजिए आपके एक डब्बे में 20 लड्डू आ गए तो 20 लड्डू के मान लीजिए 100 रुपये हो गए तो आप उसे क्या कीजिए 80 रुपये में दे दीजिए, या फिर आप 70 रुपये ले लीजिए और बोल दीजिए कि आपका इसमें 30 रुपये का मुनाफा हो जाएगा। ऐसा करके आप अपने जितने भी मार्जिन हो सकता है कम से कम रखेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा अगर आप सेलिंग करेंगे तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएंगे। सेलिंग जितना होगा आपके पास उतने ही पैसे आएंगे, भले ही आपको एक लड्डू में 50 पैसे मिल रहे हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपका सेलिंग होगा उतना ज़्यादा आपको अर्निंग होगा। क्योंकि जो बड़े बड़े जो कंपनी के लोग होते हैं वो सिर्फ पैसे में मार्जिन रख के कमाते हैं, 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, इतने इतने मार्जिन रख करके लोग अपने सामान को बेचते हैं, फिर भी वो लोग इतने अच्छे लेवल पर इतने बड़े आदमी हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को अगर देने की कोशिश करेंगे, उनको ज़्यादा फ़ायदा देंगे तो वो लोग आपके सामान को ज़रूर बेचेंगे, आपकी ज़रूर सेल होगी।
तो पहले क्या कीजिए, जितने भी आपके कस्टमर हैं, जितने भी लोगों के पास आप जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उन लोगों की सहायता करें। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि अगर आपने ये सारी ये चीज़ इम्प्लीमेंट किया अपने दुकान में, तो आपकी दुकान बहुत जल्दी सफलता की राह पर पहुँच जाएगी। और क्या कर सकते हैं आप, कोलैब कर सकते हैं जितने भी, मान लीजिए भंडारी हो गए, पंडित हो गए, जो केक बनाने वाले लोग हैं, बर्थडे पर लेकर के जाते हैं, टेंट हाउस वाले लोग हो गएंगे, इन सारे लोगों से आप जाकर के मिल सकते हैं। अब बताइए कि हमारी स्वीट की दुकान है, आपके पास जितने भी कस्टमर आते हैं, तो आप क्या कीजिए, थोड़ी सी हमारी हेल्प कीजिए। ऐसा कि बताइए, एक हमारे साथ एक मित्र हैं जो बहुत अच्छे मिठाइयाँ बनाते हैं, आप लोग अगर उनसे बुकिंग कराते हैं कोई भी चीज़, तो आपको कोई भी परेशानी का मौका नहीं होगा, कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। ऐसा करके आप बहुत सारे लोगों से कोलैब कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, और आप उनसे कहिए कि आप लोग हमें कस्टमर दीजिए, मैं आप लोगों को आपके कस्टमर दूंगा, आप लोगों के लिए मैं कस्टमर लाऊंगा, आप मुझे कस्टमर दीजिए। ऐसा करके सारे लोगों का धीरे धीरे प्रमोशन होगा और सारे लोग आपके पास ऑर्डर लेकर के आएंगे, और आप भी उन लोगों को, और आप भी उनके जो कस्टमर है उनको देंगे। तो ऐसे जितने भी लोग आते हैं इस कैटेगरी में, तो उन सभी लोगों के पास आप अपने प्रोडक्ट, तो ऐसे सभी लोगों के पास जा करके आप कोलैब कीजिए, उनसे मिलिए, उनको अपने बारे में बताइए, वो आपकी सहायता करेंगे, आप उनकी सहायता करेंगे, इससे भी आपकी दुकान बहुत ज़्यादा प्रचलित होगी। और तीसरी बात दोस्तों, आप हर एक एरिया में, हर एक गाँव में, हर एक टाउन में, चाहे आप शहर में, तो शहर में आप हर एक एरिया में एक एक अपना आदमी रख दीजिए, बोल दीजिए कि आप मतलब नॉर्मल आदमी ही हो, ऐसा नहीं कि मैं प्रोफेशनल आदमी रख लीजिए, महीने का पैसा देना है आपको। आप ऐसा कीजिए कि बोल दीजिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप जितने भी आपके आसपास जितने भी लोग हैं, मतलब शादी पार्टियां होती हैं, बर्थडे होते हैं, या फिर जो ऐसे शुभ अवसर पे जो सारी चीज़ें होती हैं, तो जिनके पास भी होती हैं उन लोगों का आप हमें नाम बता सकते हैं, मैं उन लोगों से जाकर के मिल लूँगा, आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी आप ऑर्डर देंगे उसके हिसाब से आपको पैसे मैं देता रहूँगा। ऐसे करके आप बहुत सारे लोगों से जुड़ सकते हैं और बहुत सारे ऑर्डर आप ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में सफल होना, अपनी लाइफ में सफलताएं हासिल करना, तो आप लोग हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक युवा साथी को सपोर्ट करना चाहता हूँ जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। उन दोस्तों के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा उनकी सहायता करने के लिए, और उन्हीं लोगों के लिए मैंने इस चैनल का निर्माण किया है, उन लोगों को एक नई रास्ता देने के लिए, उनको नई पहचान देने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए। भले ही मैं आपका भाई नहीं हूँ तो क्या होगा, आपका दोस्त बनकर हमेशा आपका साथ दूंगा। चलिए लेते हैं विदा, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे वीडियो देखने आते रहिए, नो टेंशन, नो बीपी, बी हैप्पी, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।